नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के आए हुए नए यूलिप प्लान के बारे में, जिसका नाम है LIC इंडेक्स प्लस प्लान और इसका प्लान नंबर है 873। और ये LIC का दूसरा इंश्योरेंस प्लान है जिसे LIC ने वर्ष 2024 में लॉन्च किया है। इस प्लान को LIC ने 6 फरवरी 2024 को बाजार में सेलिंग के लिए लाया है, जिसमें बीमा धारक को शेयर बाजार में निवेश के साथ साथ बीमा का भी लाभ मिलेगा। यह LIC का एक यूनिट लिंक रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग का बेनिफिट भी बीमा धारक पॉलिसी टर्म के दौरान ले सकता है, पॉलिसी के टर्म तक। जिसमें बीमा धारक को निवेश करने के लिए LIC दो फंड दे रही है, पहला है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। इन दोनों ही फंड में से बीमा धारक किसी भी एक फंड का चुनाव करके पॉलिसी ले सकता है और पॉलिसी वर्ष के दौरान, मतलब किसी भी वर्ष में या फिर जब वो चाहे पॉलिसी टर्म में, हर साल में वो यहां पर स्विच भी कर सकता है एक फंड से दूसरे फंड में। बीमा धारक ने जिस भी फंड का चुनाव किया है उसका अमाउंट सिर्फ सिलेक्टेड फंड में ही निवेश किया जाएगा, जैसे कि NSE का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड और NSE का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, जिसे हम आगे वीडियो में भी देखेंगे। इस प्लान को बीमा धारक ऑनलाइन LIC की वेबसाइट पर जाकर ले सकता है, साथ ही ऑफलाइन किसी भी LIC एजेंट की मदद से इस प्लान को परचेस भी कर सकता है। अगर इस प्लान के की फीचर्स की बात करें, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट की, तो इस प्लान में बीमा धारक को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए चार मोड मिलता है। तो रेगुलर प्रीमियम में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड, किसी भी एक मोड का चयन करके प्रीमियम का भुगतान करके इस पॉलिसी को परचेस कर सकता है। इंश्योरेंस कवरेज में 51 वर्ष से ज्यादा के लिए बीमा धारक को 7 टाइम्स का कवरेज मिलता है, तो वहीं 51 वर्ष से नीचे के लिए बीमा धारक को दो कवरेज ऑप्शन मिलते हैं, 7 टाइम्स और 10 टाइम्स, दोनों में से किसी एक कवरेज को लेकर वो पॉलिसी को परचेस कर सकता है। इस प्लान में दो डिफरेंट फंड है, पहला है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। बीमा धारक एक वर्ष में 4 बार इन दोनों ही फंड में स्विच कर सकता है। अगर उसने पॉलिसी लेते वक्त फ्लेक्सी ग्रोथ फंड लिया है तो साल भर में वो 2 बार, मतलब 4 बार फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड से लेकर फिर वापस से फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फिर इसका फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में स्विच कर सकता है। बीमा धारक को 5 वर्ष का लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद पार्शली, मतलब वो पेमेंट को विड्रॉ भी कर सकता है अपना NAV वैल्यू बेचकर। 5 वर्ष का लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सेल, मतलब सरेंडर भी कर सकता है। इस प्लान में बीमा धारक को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क कवर का बेनिफिट भी मिलता है। LIC इस प्लान में गारंटीड एडिशन भी देगी, जो कि यूनिट फंड वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे कि LIC कितने परसेंट पे, कितने अमाउंट पे, कितना परसेंट फंड वैल्यू ऐड कर रही है गारंटीड एडिशन के तौर पर। साथ ही LIC इस प्लान में एडिशनल राइडर भी दे रही है, जो कि एक्सीडेंटल राइडर होंगे। मे बी दोस्तों, इस की फीचर से आपका आधा डाउट क्लियर भी हो गया होगा। इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स की बात करें, तो इस प्लान को लेने की न्यूनतम आयु 90 दिन से लेकर 50 वर्ष है, जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड सालाना प्रीमियम का 7 टाइम्स और 10 टाइम्स चुनने का मौका मिलता है। लेकिन 51 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक में इसमें बीमा धारक को बेसिक सम एश्योर्ड का सिर्फ 7 टाइम सालाना प्रीमियम का कवरेज मिलेगा। पॉलिसी लेने की अधिकतम आयु 65 वर्ष नजदीकी जन्मदिन है। प्लान की न्यूनतम मैच्योरिटी उम्र 18 वर्ष है। अधिकतम मैच्योरिटी उम्र 75 वर्ष है, जिसमें 10 टाइम्स का सालाना प्रीमियम मिलता है और 85 वर्ष में 7 टाइम्स का सालाना प्रीमियम मिलता है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का टर्म है, जो कि सालाना प्रीमियम के आधार पर होगा। इस प्लान में 5 वर्ष का लॉकिंग पीरियड है। बेसिक सम एश्योर्ड में उम्र 51 वर्ष के नीचे के लिए सालाना प्रीमियम का 7 टाइम्स और 10 टाइम्स का ऑप्शन मिलता है, तो इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चयन करके पॉलिसी को लिया जा सकता है। लेकिन 51 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति के लिए LIC सिर्फ सालाना प्रीमियम का 7 टाइम्स ही मिलेगा। इस प्लान में LIC ने न्यूनतम प्रीमियम की सीमा निर्धारित की है।
सालाना प्रीमियम 30,000 रुपया, छमाही 15,000 रुपया, तिमाही 7,500 रुपया, महीने महीने का 2,500 रुपया। तो यहाँ पर इससे कम का प्रीमियम आप नहीं पे कर सकते हैं। अधिकतम प्रीमियम की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बीमा धारक अपने इनकम के आधार पर इसे ले सकता है। इस प्लान के डेथ बेनिफिट की बात करें तो जोखिम शुरू होने की तारीख से पहले बीमा धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को यूनिट फंड वैल्यू के बराबर राशि दिया जाएगा। और वहीं जोखिम शुरू होने के तारीख के बाद बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो इनमें से उच्चतम राशि, मतलब जो राशि ज्यादा होगी वो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। जैसे मूल बीमा राशि, अगर बीमा धारक ने पिछले 2 वर्षों में पार्शियल विड्रॉ किया है तो उसे माइनस करने के बाद जो बचेगा वो दिया जाएगा। दूसरा है फंड यूनिट फंड वैल्यू। तीसरा है प्राप्त कुल प्रीमियम का 105%। अगर इसमें से भी अगर बीमा धारक ने पिछले 2 वर्ष में पार्शियल विड्रॉल किया हुआ है तो उसे माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। तो इन तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो मैच्योरिटी के निर्धारित तिथि तक जीवित रहने पर बीमित व्यक्ति को यूनिट फंड वैल्यू के बराबर राशि दिया जाएगा। मतलब मैच्योरिटी पर उसे जितना भी यूनिट मिला हुआ है उसके आधार पर वो अमाउंट कैलकुलेट करके उसे दे दिया जाएगा। रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस। मैच्योरिटी की निर्धारित तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर जीवन बीमा कवर के संबंध में काटी गई मृत्यु शुल्क की कुल राशि के बराबर राशि मैच्योरिटी लाभ के साथ बीमा धारक को दिया जाएगा। वहीं अगर इसके मृत्यु शुल्क, मतलब जो मोर्टेलिटी चार्जेस की रिफंड की बात करें तो बंद पॉलिसी है या फिर भुगतान की गई पॉलिसी के लिए या पॉलिसी सरेंडर करते समय ये अमाउंट लागू नहीं होगा। गारंटीड एडिशन की बात करें तो पॉलिसी वर्षों की स्पेसिफिक पीरियड अवधि के पूरा होने पर LIC द्वारा सालाना प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीड एडिशन यूनिट फंड में जोड़ा जाएगा, जिसका डिटेल आप नीचे चार्ट में भी देख सकते हैं कि किस वर्ष में कितना अमाउंट के नीचे और ऊपर कितना प्रतिशत अमाउंट जोड़ा जाएगा यूनिट फंड में। जैसे कि बीमा धारक ने 48,000 से कम का प्रीमियम भरा है तो 6वें पॉलिसी वर्ष में जो भी यूनिट होगा उसके पास उसमें 3% यूनिट और जोड़ा जाएगा। वही यूनिट फंड में 48,000 से ऊपर का अगर प्रीमियम भरा है तो जो भी यूनिट उसके पास होगा उसमें 5% और यूनिट जोड़ा जाएगा। तो इसी तरह से आप 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष में देख सकते हैं कि कितना प्रतिशत यूनिट यहां पर जोड़ा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट फंड टाइप। दोस्तों, बीमा धारक इस प्लान में पैसे को LIC में निवेश करता है, लेकिन बीमा धारक को कैसे पता चलेगा कि उसका पैसा LIC कहां निवेश करेगी और उस पैसे पर कितना रिस्क होगा, तो इसे भी LIC ने बताया है कि जिसे आप यहां चार्ट में देखकर समझ सकते हैं। फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में बीमा धारक का पैसा 3 जगह निवेश किया जाएगा, जिसका प्रतिशत भी आप देख सकते हैं और क्या रिस्क है। जैसे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट्स में LIC 0 से लेकर 20% का अमाउंट इन्वेस्ट करेगी। वहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें इंक्लूडिंग मनी मार्केट में तो 20% से लेकर 40% का अमाउंट इन्वेस्ट करेगी, और इक्विटी में LIC 40 से लेकर 100% का अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट करेगी। तो इसका जो रिस्कोमीटर है वो वेरी हाई है। इसी तरह से आप फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में भी देख सकते हैं। तो चलिए इस प्लान को एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर सुमित ये प्लान लेते हैं 30 वर्ष की उम्र में, पॉलिसी टर्म 21 वर्ष के लिए। रेगुलर प्रीमियम में बीमा धारक सालाना प्रीमियम 1,00,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है तो उसका जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो 10,00,000 रुपए होंगे, क्योंकि इस प्लान में 10 टाइम्स का एनुअलाइज प्रीमियम मिलता है। पॉलिसी लिया जाता है वर्ष 2024 में और उस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होती है वो 2045 में। तो यहां पर मिस्टर सुमित को मैच्योरिटी राशि क्या मिलेगी, तो इसे हम इस चार्ट से समझते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है मैच्योरिटी एग्जांपल ऑफ LIC इंडेक्स प्लस प्लान नंबर 873। उम्र 30 वर्ष में इस पॉलिसी को ली जाती है
पॉलिसी टर्म 21 वर्ष के लिए, जिसका बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया, क्योंकि यहाँ पर जो सालाना एनुअलाइज प्रीमियम है वो 10 टाइम्स है बेसिक सम एश्योर्ड का। तो यहाँ पर मिस्टर सुमित ने प्रीमियम अमाउंट चुना था 1 लाख रुपए, तो उसका जो 10 टाइम्स होता है वो 10 लाख रुपए होते हैं। मैच्योरिटी जो मिलती है यहाँ पर 2045 में, मतलब उम्र 51 वर्ष में, तो मैच्योरिटी अप्रोक्स मिस्टर सुमित को मिलेगा 61,85,851 रुपए। अब ये कैसे मिलेगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर ऑफ परचेज है 2024 में, उम्र है 30 वर्ष, सालाना प्रीमियम है 1 लाख रुपए। दोस्तों यहां पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये एनएवी वैल्यू है और ये है नॉर्मल रिस्क, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। एनएवी वैल्यू पहले वर्ष में 10 पॉइंट मिलता है और नॉर्मल रिस्क रहता है 10 लाख रुपए का, लेकिन पहले वर्ष में पॉलिसी को सरेंडर करने पर कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट 28 तक उस बीमा धारक ने यहां पर 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम का भुगतान करके टोटल 14.64 प्लस 13.31 प्लस 12.1 प्लस 11 प्लस 10 पॉइंट इन टोटल करेंगे तो जो भी एनएवी होगा वो अमाउंट यहां पर अचीव कर लिया है, लेकिन जो उसका नॉर्मल रिस्क कवर है 10 लाख रुपए है। इसी तरह से हर वर्ष 1 लाख रुपए प्रीमियम का भुगतान करने पर उसका एनएवी वैल्यू बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा मतलब 51 वर्ष में, मतलब 2044 तक 50 वर्ष में 67.25 एनएवी वैल्यू होगा, जिसका फंड वैल्यू होगा रिस्क कवरेज, जो नॉर्मल रिस्क कवरेज यहां पे आप देख रहे हैं 61,85,851 रुपए है, और सरेंडर भी अगर वो उस टाइम पे करता है तो उसे यही अमाउंट भी दिया जाएगा। तो मैच्योरिटी जो फंड वैल्यू यहां पर मिस्टर सुमित को मिल रहा है 61,85,851 रुपए। तो क्योंकि दोस्तों यहां पर जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर दोस्तों यहां पर बीमा धारक ने एक्सीडेंटल प्रीमियम भी भर लिया होता तो यहां पर ये अमाउंट डबल हो जाता एक्सीडेंटल डेथ में, मतलब 20 लाख रुपए हो जाती। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप यहां पर देख रहे हैं जो नॉर्मल रिस्क कवर है वो भी यहां पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिस्क कवर आपके एनएवी पर ही काम करेगा। एनएवी अमाउंट जो भी होगा वैल्यू, वो वैल्यू पे अमाउंट कैलकुलेट करके एलआईसी आपको देगी, या फिर न रहने पर बीमा धारक को दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपने एग्जांपल से समझ ही लिया कि किस तरह से बेनिफिट मिलता है। वहीं इसके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस की बात करें तो जो भी अमाउंट है, जैसे अगर ऑफलाइन पॉलिसी परचेस की जाती है तो जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है फर्स्ट ईयर का 8% है, दूसरे साल से लेकर पांचवें साल का 5.5% है, उसके बाद 4% लगेगा। वहीं ऑनलाइन पॉलिसी में पहले साल में 3% है, दूसरे साल से लेकर पांचवें साल में 2% है, उसके बाद 1.5% लगेगा। अगर इसके फंड मैनेजमेंट चार्जेस की बात करें, जो इस फंड को मैनेज करेगा उस वो कितना चार्ज करेगा, तो यहां पर 1.35% पर एनम, मतलब जो भी फंड 4 फंड जो अवेलेबल होंगे, जो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा, यहां पर फंड मैनेजर उसका 1.35% पर एनम चार्ज करेगा। अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यूड है तो यहां पर यूनिट फंड पर एलआईसी 0.50% पर एनम चार्ज करेगा। दोस्तों अगर इसके डिसकंटिन्यू चार्जेस की बात करें तो यहां पर बीमा धारक अगर पहले साल में पॉलिसी का प्रीमियम भरता है और उसके बाद से डिसकंटिन्यूड कर देता है तो लोअर ऑफ 20% ऑफ एपी, मतलब एनुअलाइज प्रीमियम या फिर फंड वैल्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹3,000, तो जो भी ज्यादा होगा, मतलब सॉरी जो भी कम होगा एलआईसी वो यहां पर चार्ज करेगी। अगर 20% कम होगा तो 20% चार्ज करेगी एलआईसी, अगर 3000 कम होगा तो 3000 चार्ज करेगी। इसी तरह से आप यहां पे 50,000 से ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं तो 6% अगर कम होगा तो 6% चार्ज करेगी, या फिर 6000 कम होगा तो 6000 चार्ज करेगी। तो इसी तरह से आप दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूड चार्जेस यहां पर कितने लगेंगे। साथ ही पांचवें साल के बाद कोई भी डिसकंटिन्यूड चार्जेस नहीं लगेगा, वो नील हो जाएगा, मतलब उस समय पे आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, पॉलिसी में से पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं,
हर एक बेनिफिट आपको यहाँ पर 5 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि 5 साल का LIC ने लॉकिंग पीरियड दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था LIC का नया प्लान, जो कि शेयर मार्केट से डिपेंड करता है कि कितना पैसा कब बढ़ेगा और किस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ पर LIC शेयर मार्केट के साथ साथ में आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी दे रही है। तो मे भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले कि LIC ने 6 फरवरी 2024 को दूसरा अपना नया प्लान लॉन्च किया है, जो कि मार्केट मतलब इंडेक्स फंड में ही निवेश करती है। अगर किसी को इंडेक्स फंड में अच्छी जानकारी है तो उसे इस प्लान में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर इंश्योरेंस का बेनिफिट भी LIC दे रही है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल, व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।